किया है, तो फिर इस देश में पर्सनल लॉ क्यों है? फिर हिजाब पर विवाद क्यों है? ड्रेस कोड क्यों नहीं है? फिर आप हिजाब को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता का नाम देते हैं। ये सिलेक्टिवनेस कब तक चलेगी? संविधान को टुकड़ों टुकड़ों में कर कर अपने अपने हिस्से का सिलेक्ट करने का काम तक कब तक चलेगा? दूसरा, दानिश जी अभी कह रहे थे कि दूसरे धर्मों की प्रतिमाएं वहां के चित्र होना चाहिए। किसके चित्र होना चाहिए दानिश जी? दूसरे धर्मों की शिक्षा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, मगर शिक्षा क्या होनी चाहिए? एक तरफ शिक्षा है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कि ये शिक्षा दी जा रही है कि सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, तो एक। और दूसरी ओर शिक्षा दी जा रही है कि नहीं, केवल एक इंडिविजुअल अल्लाह को मानने वाला व्यक्ति ही केवल स्वर्ग जा सकता है, और इंडिविजुअल पैगंबर को मानने वाला ही व्यक्ति स्वर्ग जा सकता है। तो ये जो दोहरापन है, इस दोहरेपन को पहले खत्म कीजिए। आप कहिए ना, खुले मन से कहिए। एक विषय था अभी जो जो चर्चा कर रहे थे आदरणीय हमारे स्कॉलर साहब जो जामिया इस्लामिया से हैं, मैं उन्होंने बड़ा बेहतरीन बात कही है, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने कहा कि नमाज सड़क पर नहीं होना चाहिए। एक ही बात दिखा ली आपने उनकी बात में, कभी श्रीवास्तव भी नहीं जुटा पाए। तो मैं फिर से कहता हूँ, यदि इस दुनिया में कृष्ण को पढ़ाया जाएगा, कृष्ण लोगों के आचरण में होंगे, तो ये दुनिया प्रेम का प्रतीक बनेगी, ये दुनिया युद्ध की बजाय शांति की ओर जाएगी। और यदि आपको प्रेम प्रसन्न है तो कृष्ण का कोई विकल्प नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। गीता का संदेश मैं भी पढ़ता हूं और मैं भी चाहता हूं पढ़ाया जाए, लेकिन उतनी ही सद्भाव की बातें कुरान में भी हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में भी हैं, बाइबल में भी हैं, और आपने भी ये सब पढ़ा होगा ब्रजगोपाल जी। बिल्कुल निश्चित। तो फिर गीता थोपी क्यों जाए किसी पर? नहीं, किसी पर नहीं थोपा जा रहा। किसी बच्चे को इसके लिए आग्रह नहीं किया जाएगा कि वो यदि कृष्ण को स्वीकार नहीं किया जाता है तो वो भी उस समारोह में शामिल हो। परंतु आप मुझे एक बात बताइए कि क्या उसे देखने का अवसर नहीं होना चाहिए कि क्या बेहतर है इस विश्व में? आप उसको एक जानकारी विशेष में कैद कर क्यों रखना चाहते हैं बच्चे को? यही तो इनकी मांग है कि फिर ईद पर भी स्कूल खोलिए, जिससे बाकी बच्चे भी समझ सकें कि बेहतर क्या है। जी, मेरा बेटा 5 वक्त की नमाज सुनने में उसे कोई ऐतराज नहीं है जो माइकों से हो रही है, तो यदि कृष्ण की स्तुति भी अगर कोई मुस्लिम बच्चा सुन लेगा तो क्या गुनाह हो जाएगा? वो सिलेक्ट उसे करने दीजिए कि कौन सा धर्म उसके लिए बेहतर है, परंतु नहीं उसको कैद करने की जो योजना है कि वो कहीं ऐसा ना हो कि विज्ञान सीख जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो खुले विचारों की आजादी में आ जाए। और ये जो रोकने का प्रयास है, ये प्रयास हमेशा लोग जारी रखेंगे। चाहे तलाक का मामला हो तो भी विरोध करना है, तब संविधान ध्यान में नहीं रहेगा। ठीक है, चाहे 200 रुपए का 200 रुपए का मुआवजा देना हो तो संविधान की चर्चा नहीं करेंगे, फिर पर्सनल लॉ की चर्चा करेंगे। ये जो बुरा चरित्र है इसे छोड़ना। पहले कपीश जी से जवाब ले लेता हूँ आपके सवाल का, फिर हाजिक खान साहब भी बोलना चाह रहे हैं, जुनैद हारिस भी बोलना चाह रहे हैं, और उमेश आनंद जी भी बोलना चाह रहे हैं। मैं बारी बारी से सबको मौका देता हूँ। मैं सबसे पहले आपसे निवेदन कर रहा हूँ, कपीश जी जवाब दें। अनुराग भाई, सबसे पहले हम इस अपने मित्र गोपाल जी से पूछते हैं कि क्या इस देश का संविधान आपने पढ़ा है? अगर आपने पढ़ा है तो सिर्फ हम इतना बता दीजिए कि कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, कितने भाग हैं, कितने प्रतिभाग हैं। अगर आपने ये जवाब दे दिया मुझे, सुन लीजिए, तो आपको फिर आर्टिकल समझाना मेरे लिए आसान हो जाएगा। चोरी चोरी शामिल कर दिया, वो भी पढ़ दूं कि किस तरह 1967 में उसके प्रियम्बल बदलने की कोशिश हुई, उसके प्रियम्बल में कब लिखा था 1947। आप ये बताइए इस देश के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? अरे क्रोध क्यों कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण प्रेम के लिए जाने जाते हैं और आप भगवान श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं। मैंने एक बहुत साधारण सी बात पूछी है और आप उसमें चीखने चिल्लाने लग रहे हैं, गुस्सा करने लग रहे हैं। अरे संविधान गुस्सा करने की विषय वस्तु नहीं है महाराज। अरे क्यों गुस्सा कर रहे हैं? गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ये गुस्सा क्यों कर? एक एक करके बोलिए, आप दोनों स्काइप पर हैं, एक ही की आवाज एक बार में आ सकती है। क्या छिपाना चाहते हैं? मैं अनुराग भाई बहुत छीटी सीधी सी बात पूछ रहा हूँ। इतना गुस्से में आ गए, मैंने बहुत साधारण क्वेश्चन किया, बीन ए इंडियन हम सारे लोगों को ये बात मालूम होनी चाहिए, और बहुत ही बचपना के माने बच्चे जानते हैं इनको, अब आप उसके लिए क्रोधित हो जा रहे हैं। खैर छोड़िए, आपको नहीं पता। अब मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 25, 28 और आर्टिकल 30 पढ़ा है। अरे भाई देखिए गोपाल जी गुलगुल मत खोलो, सुन लीजिए, मुझे गुलगुल मत खोलो, हमें आप आर्टिकल 25, 28 और 30 में बताओ क्या लिखा। आर्टिकल 25, 28 और 30 में क्या लिखा है?
44 में क्या लिखा है जरा वो आप बता दें, आर्टिकल 44 क्या कह रहा है थोड़ा सा बता दें, देश की जनता जानना चाहती है कि आर्टिकल 44 क्या कहता है। कपीश भाई आपको तो पूरा याद है ना, तो थोड़ा आर्टिकल दूसरे भी बता दें। आर्टिकल 44 लग रहा है ये तो ना को पूरा एकदम फुला लिया भाई साहब हमारे ऊपर लग रहा है लाठी से मार देंगे। अरे मैंने इस देश के संविधान के बारे में पूछा कि आर्टिकल 25 28 30 को पढ़े बगैर आपने जो पर्सनल लॉ के बारे में उठाया है उसी का जवाब है, जाके घर पढ़ लेना, कभी पढ़े तो हो नहीं। अरे आप पढ़े नहीं संविधान, आप आर्टिकल 25 28 और 30 जाके घर पढ़ लेना और अपने प्रभु को भी पढ़ा देना। गुस्सा मत, कृष्ण पे बात कर रहे हो आप, राधा कृष्ण प्रेम और स्नेह के लिए जाने जाते हैं और आप गुस्सा जा रहे हो, ज्ञान को छुपाना चाहते हो अपने, अपने ज्ञानी अपने ज्ञान को लटो बाहर लाओ। ठीक है ये मुझे आप बता दो आर्टिकल 25 28 और 30 में क्या लिखा है। ठीक है ये बहस फिर ऐसे ही खत्म हो जाएगी आर्टिकल 25 और 44 में। ठीक है तब इसको पर्सनल लॉ समझ में आएगा कि कहां से आया है। और मैं दूसरी चीज कह दूं, एक बात अनुराग भाई, इट इज श्रेष्ठम धर्माधारयति। ये जो भेद करने वाला पर्सनल लॉ है इसके बावजूद भी आप इसकी बात करते हैं। ये कपीश भाई आप खुद बताएं, आप खुद तो दो हिस्सों में समाज को बांटना चाहते हैं और फिर कहते हैं दोहाई संविधान के देते हैं, तो पहले तय कर लेंगे आपका वास्तविक सोच क्या है। क्रोध में छुपाओ मत, ये बताइए कि इत श्रेष्ठम धर्माधारयति गीता में कहां लिखा है और इसका क्या परिभाषा है। फिर बता दूंगा आपको, ये बता दो। चलिए एक दूसरे से ही सवालों का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है, कपीश जी का और ब्रज गोपाल का, हाजिर खान साहब। चलिए ठीक है मैं आता हूँ आपके पास, बाकी भी मेहमान है। हाजिर खान साहब देखिए अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्हें ना तो संविधान की जानकारी है, ना भारतीय इतिहास की जानकारी है, ना धर्मों की जानकारी। इसलिए कह रहा हूं मैं कि जब आर्य दत्त जिस हमारे यहाँ संविधान बना था उस संविधान के अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर जी थे और 300 विद्वान पूरी दुनिया से पढ़ के आए थे, वो हिंदुस्तान में ही नहीं पढ़े थे जिन्होंने ये संविधान बनाया, और उसमें आर्टिकल 28 आर्टिकल 25 और 30 जो लिखा उसमें सारे धर्मों के बारे में लिखा हुआ है कि हर आदमी, भारतीय संविधान ने इस बात की इजाज़त दी है चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो बौद्ध हो ईसाई हो किसी भी मजहब का मानने वाला हो वो अपने धर्म के एतबार से पूजा पाति कर सकता है। मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन को बताना चाहता हूँ कि दुनिया में 1,24,000 मैसेंजर आए, चाहे उसमें राम हो कृष्ण हो आदम अलैहिस्सलाम से लेके प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, और एक साउंड में एक आवाज में सबने कहा है याइयो नास कुलू ला इलाहा इल्ला तुफ्लहून, ए लोगों कलमा पढ़ लो। हम ये कहते हैं मजहब आपका आपके एतबार से अच्छा है, हमका हमारे एतबार से अच्छा है, जैनों का जैन के एतबार से अच्छा है, बौद्ध का बौद्ध के एतबार से अच्छा है, सरदारों का सरदार के एतबार से अच्छा है, कृष्णों का कृष्ण के एतबार से, लेकिन धर्म को राजनीति से मत जोड़िए। आप उसमें आप जन्माष्टमी मनाइए कृष्ण की, वो हिंदुस्तान में नहीं बनेगी तो कहां बनेगी, लेकिन उसको सियासी मोड़ मत दीजिए। सियासत जब करोगे तो आप पर सवाल उठेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास करने के लिए कुछ नहीं है, धार्मिक भावनाएं भड़का के देश में हुकूमत करना चाहती है। हम ये कहेंगे एक मिनट सर कि हमारे हिंदू भाई बड़े भाई हैं, लहू का रंग हल्का और गहरा हो भी सकता है मगर ये एक जैसे हैं तेरे आंसू में। भारत में रहने वाले 97% मुसलमान हिंदुओं से कन्वर्टेड है, इसलिए आप इस तरह की बात करके देश में नफरत नहीं पैदा कीजिए, देश में भाईचारे की बात कीजिए। आप सरकार में हैं और सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार में आप मध्य प्रदेश में भी हैं, हिंदुस्तान में भी हैं, यूपी में भी हैं, तो सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे राष्ट्र का एक एक नागरिक जो देश का हमारे राष्ट्र में रहने वाला है उसकी सुविधाओं के लिए उसके आसानियों के लिए काम किया जाए। ठीक है अनुराग एक जरा सा जी छोटा सा प्रश्न है, जो यहाँ कह रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें अनुच्छेद 25 और 28 दिया है, उन्होंने अनुसूची में एससी और एसटी को आरक्षण भी दिया है उसी संविधान में उन्हीं बाबा साहब ने, मैं पूछ रहा हूँ इनसे कि जामिया इस्लामिया में और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वो क्यों लागू नहीं है, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डाल देते। बाबा साहब मुरली मनोहर जोशी जी करके गए हैं, मुरली मनोहर जामिया माइनोरिटी करेक्टर मुरली मनोहर ने दिया है, लखनऊ उर्दू यूनिवर्सिटी को मुरली मनोहर भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, उनसे पूछिए कि उन्होंने इसमें आरक्षण क्यों नहीं दिया, हमने थोड़ी मना किया।
हिंदुस्तान की एजुकेशन मिनिस्ट्री के मातहत है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी, जामिया भी, हमदर्द भी, और हैदराबाद की यूनिवर्सिटी भी, और लखनऊ की यूनिवर्सिटी भी। ये सरकारें चलाती है, सरकारों की। हम नहीं दे रहे किसी को आरक्षण, हम नहीं छीनना किसी का आरक्षण। मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया। ठीक है आसिक, आप आसिक जी सुन लीजिए, आसिक जी, आसिक जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए गोपाल जी। अनुराग जी छोटा सा कहना है कि संविधान को जामिया इस्लामिया में मानिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी मानिए, संविधान को मानिए तो हर जगह तो मानिए, केवल आर्टिकल 25 मानिए। एचआरडी मिनिस्टर के माथे में है अलीगढ़ भी, जामिया भी, और कोसारी यूनिवर्सिटी। आपको ये जानकारी नहीं है? राष्ट्रीय सरकार की है, किसी मुसलमान की थोड़ी है। जामिया इस्लामिया इसलिए उत्तर देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, उमेशानंद महाराज जी हंस रहे, क्यों महाराज जी? देखिए, जहां जहां मुसलमानों के अधिकारों की चर्चा आती है तो संविधान याद आने लगता है, और जहां जहां हिंदू अपने एकाधिकार की बात करता है तो संविधान खतरे में पड़ जाता है। बड़ी विडंबना की स्थिति है। जहां तक जामिया की और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात हुई है, अरे आपने कहा मुरली मनोहर जोशी जी उस समय ये कर गए, अरे मुरली मनोहर जोशी जी क्या भाई संविधान है क्या? चलो उस समय कोई गलती होगी, लेकिन वर्तमान के अंदर जो आज का समय है तो उसको ठीक कर ले। अगर उनकी गलती थी तो उसको ठीक करने का समय आ गया है, वहां ठीक कर वहां आरक्षण को लागू करना चाहिए। आप देखो, आप मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए, बीच में टोका नहीं। तो उसको ठीक करने का समय, उसको ठीक करना चाहिए आप लोगों को। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है इस चैनल के अंदर जो चल रही है कि जहां हिंदू मताधिकार की बात आती है, अगर हिंदू अपने मताधिकार की बात करता है तो संघर्ष की स्थिति आ जाती है। भारत के अंदर मैं इस टीवी चैनल के माध्यम से मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उनसे एक चीज पूछता हूं, जो ट्रिपल तलाक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान आचार संहिता जो सब पर लागू होगा, क्या यहां पर जो ये मुस्लिम स्कॉलर्स बैठे हैं, ट्रिपल तलाक का विषय हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड का विषय होगा, क्यों बोल रहा हूं कि वर्तमान परिस्थिति के अंदर आधुनिक युग में लगातार जनसंख्या, सुनिए मौलाना आप बोलिएगा, लगातार जनसंख्या के बढ़ते और संसाधनों के अभाव में, देखिए बात हिंदू पर भी इंप्लीमेंट होती है, अन्य धर्मों पर भी इंप्लीमेंट होती है, लेकिन क्या मुस्लिम स्कॉलर्स यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कोड है, जो कानून है, और ट्रिपल तलाक के विषय पर क्या विचार रखते हैं, उस पर रखना चाहिए? मुझे लगता है अपना समर्थन दीजिए। दानिश कुरैशी साहब जी, सबसे पहले मैं आपको जवाब दूं, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे जामिया हो, चाहे और तमाम जितने भी इदारे हैं, ये मुसलमानों के पर्सनल इदारे हैं जिसकी कॉन्स्टिट्यूशनल इजाजत देता है, इसलिए वहां पर नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे पर्सनल बात आ गई, यहाँ पर पर्सनल बात आ जाती है आप लोगों की, जब मुसलमानों के अधिकार की बात आई तो मेरी पर्सनल संपत्ति हो गई, अब संविधान जीरो हो गया, अब संविधान जीरो हो गया। दानिश कुरैशी को सुनिए भैया, दो बातें संविधान ने, अब इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो जाती है। अरे दानिश कुरैशी को पूरा सुन तो लीजिए पहले, दानिश जी बोलिए। अब सवाल आके ये खड़ा है कि हमारे पैनलिस्ट ये कहते हैं कि देश की संस्कृति क्या है? पता है आपको, इस देश में संविधान लागू हुआ उससे पहले एससी और एसटी जुल्म का शिकार थे। बाबा साहब के संविधान ने इस देश में एससी और एसटी और तमाम लोगों को समानता दी। अरे जब देश का संविधान बना, जब देश का संविधान बना तो प्रस्तावना बनी थी, लेकिन वर्तमान में जो प्रस्तावना बनी थी और आज की जो वर्तमान प्रस्तावना से परिवर्तन क्यों किया गया, इसका जवाब आप लोगों को देना चाहिए। क्या मुसलमानों को बेनिफिट देने के लिए किया गया? एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स थी, एक पार्टी विशेष ने अपने मताधिकार को लाभ किस प्रकार प्राप्त किया जाए, हिंदुओं में हिंसा की भावना प्रकट करने के लिए। महाराज जी, अरे कैसी बात करते हो आप लोग, कुपित ना होइए महाराज जी, कुपित ना होइए। मैं कह रहा हूँ कि एक गेस्ट की बात खत्म हो जाने दीजिए, आपकी बात कह रहे हैं कि दलितों को जो अधिकार संविधान के बाद मिला वो ये जानते नहीं कि भगवान श्री राम के समय से ही दलितों को और हमारे आदिवासियों को भगवान श्री राम ने उनको अधिकार दिलाए। किस बात की बात करते हैं? संस्कृति संस्कारों के आते हैं, एक षड्यंत्र के तहत हमारे बीच में दाजी बात का भेद डाला गया। ठीक है।